हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर किया था एयर लेयरिंग का, रबर प्लांट में जो की थी मैंने, अभी एक महीने पहले ही किया था। आप सबने बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच। उसका रिजल्ट बड़े जल्दी आ गया है, देखिए। अभी मैंने खाली इसका ये खोल के देखा है, वो बाहर से ही दिख रहा है, तो आपको दिखाती हूँ। अगर आपने किया है और रिजल्ट अच्छा आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो इसका दोनों प्लांट, जिसका काटा था और जिसमें किया था, दोनों दिखाऊंगी। तो देखते रहिए मेरा वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है, इसमें मैंने फॉइल पेपर लगाया था ऊपर से, अभी हटा के देखा है मैंने इसको। ये देखिए, इसमें रूट्स, ये ट्रांसपेरेंट पन्नी लगाने से इसमें एक फ़ायदा होता है कि रूट्स बाहर से ही आपको देखने का इसका रिजल्ट मिल जाता है। ये देखिए, बाहर से ही दिख रही हैं, तो आपको इसको खोल के देखना नहीं पड़ता है बार बार। ये रूट्स आ रही हैं, काफ़ी अच्छी आई हैं, काफ़ी हेल्दी रूट्स हैं। तो अंदर कितना है वो आपको मैं खोल के दिखाती हूँ, और मैंने खोला नहीं था, आपके साथ शेयर करूँगी तभी मैंने कहा खोलूँगी। देखते हैं क्या रिजल्ट है इसका। ये देखिए, एक फ्री में प्लांट उग जाता है इसमें, एकदम बिल्कुल रहता है श्योर कि हाँ आपका प्लांट हेल्दी रहेगा और कोई इसमें खतरा नहीं रहता, सेफ भी रहता बंद करने से। इसको मैंने टाइटली बंद किया था ना, ये देखिए। और एक बात का ध्यान रखें कि अच्छी जो भी यूज करें आप, उसको पहले सेनेटाइज कर लें, जिससे इन्फेक्शन का डर ना रहे। हमेशा सेनेटाइज करके ही करें, फंगस नहीं लगती फिर। ये देखिए कितनी हेल्दी रूट्स आई हैं, अभी मुश्किल से एक महीने ही हुआ है इसको लगाए हुए। ये देखिए, ये हेल्दी रूट्स हैं एकदम, बहुत सारी आ गई हैं। आपका एक नया प्लांट तैयार है बिल्कुल, बस इसको काट के लगाना है आपको, ये तैयार है। और जिससे मैंने आपको पहले दिखाया था वो ये वाला प्लांट था जिससे काटा था, देखिए इसमें नई ब्रांच आ रही हैं। ये अब ये बहुत घना, पहले मेरा सीधा जा रहा था, अब इसमें बहुत सारी ब्रांचेस आई हैं, तो ये काफ़ी बुशी हो जाएगा। इधर से भी आना शुरू हो गया है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, देखिए बहुत सारी आ रही है। तो अब ये पूरा एक ट्री की तरह बन जाएगा, पहले ऐसे स्टेम थी इसकी सीधी, इसलिए इसको भी मैंने काटा था, जैसे इसमें भी शुरू हो गया। देखिए एयर लेयरिंग करने के बाद इसमें भी ब्रांचेस साइड से आने लगी, ये देखिए। तो आपका ये पूरा एक घना घना प्लांट बन जाएगा, बहुत सुंदर देखने में लगते हैं। तो इतना रबर प्लांट काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, आप इसको घर में आसानी से फ्री में उगा सकते हैं। एक से कई बनाइए, एक ले आइए, उसके बाद कई प्लांट बना लीजिए। कटिंग से कई बार सफलता नहीं मिलती है, बट एयर लेयरिंग से 100% मिलती है। ये देखिए, इसको मैं इधर से काटूंगी जिससे कि ये थोड़ा लगाने में भी आसानी रहेगा। इसको पकड़ के रखिए, ये देखिए, ये बहुत सुंदर सी रूट्स आई हैं, देखिए काफ़ी हेल्दी रूट्स और काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई एक महीने में। मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा जल्दी रिजल्ट आएगा। ये देखिए, दिख रहा है, इसका ही निकाल दूंगी मैं। ये आपका नया पौधा एक तैयार हो गया, इसको मैं इस गमले में लगा दूंगी मैं। 5-6 इंच का गमला है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सॉइल मिक्स मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, इसमें थोड़ा ऐसी सॉइल मिक्स बनाइए कि थोड़ा नमी बनी रहे बट पानी होल्ड ना हो। बस कुछ नहीं करना है, इसमें ऐसे करके होल्ड करके इसको लगा दीजिए।
आपका एक नया पौधा तैयार हो जाता है, और इसमें कोई डाउट नहीं रहता कि आपका प्लांट नहीं चलेगा, 100% चलता है। आप इस पौधे को लेने जाएंगे तो आपको इतना ही छोटा पौधा 200-300 में ही मिलता है नर्सरी में, और सारी वैरायटी मिलती भी नहीं है। ये मेरा वेरीगेटेड है, इसमें देखिए इसकी लीव्स ऐसी है, डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन, बहुत सुंदर देखने में लगता है, और जब नया निकलता है तो इस तरह से होता है। मेरे पास चार तरह के हैं, अभी तक तो चार ही वैरायटी आई है, मेरे पास चारों हैं। और इसमें थोड़ा सा फंगिसाइड लगा देंगे, इसमें ये मिल्क निकलता है, थोड़ा सा ये इचिंग होती है, किसी को एलर्जी है तो थोड़ा बच के रहिए, ग्लव्स पहन लें तो ज़्यादा बेटर है। और अब इसमें भी बहुत सी ब्रांच आ जाएंगी तो आपका ये बहुत बड़ा अच्छा ट्री बन जाएगा, और ये मेरा एक सीधा बन जाएगा। ये क्योंकि पट्टी मैं यहाँ रखती हूँ वॉल पे, तो मेरे को ज़्यादा जगह नहीं है ना, क्योंकि इसको सेट चाहिए होता है, सेमी सेट, तो वॉल पे रखती हूँ तो सीधे जाते हैं। अब इसको थोड़ा बड़े गमले में शिफ्ट करूँगी, अभी इसको इसके रिपोर्टिंग भी अभी करूँगी मैं, क्योंकि इसमें बहुत सी रूट्स आ गई हैं, फिर ये डोरमेंसी में चले जाते हैं सर्दियों में, इसलिए इसको किया नहीं मैंने एक साल से, तो इसकी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है जिससे हेल्दी रहे। तो इसका अभी इसके लिए मैंने लिया है बर्मी कंपोस्ट, ये बर्मी कंपोस्ट है, और थोड़ा सा बोन मील लिया है, और ये नीम खली, नीम खली फंगस से बचाता है, और बोन मील कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे आपको मालूम है मैं इसमें एक्सेल्स डालती रहती हूँ, ये देखिए सबसे बेस्ट है कैल्शियम के लिए, एक्सेल्स एंड आयरन के लिए वो डालती हूँ मैं, बनाना पील्स, बनाना के छिलके, केले के छिलके डाल देती हूँ, तो उससे मेरा होता रहता है, बाकी मेरे को एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं होती है, बट इसको रिपोर्ट करूँगी तो इसलिए ये सब मिलाऊंगी, और थोड़ा सा फंगिसाइड डालूंगी। तो ये है वर्मी कंपोस्ट और नीम खली, एक भाग नीम खली है थोड़ा सा, और एक भाग बोन मील, और थोड़ा सा फंगिसाइड डालूंगी इसमें मैं। ये इस साफ का है, आपके पास जो फंगिसाइड हो वो डालिएगा, मेरे पास ये है, मैं यही डालूंगी, थोड़ा सा 2 चम्मच, दो, ये मेरे 2 प्लांट के लिए है। और मिट्टी मैं इसी को यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरी मिट्टी काफ़ी हेल्दी है, तो इसको ठीक से मिला लेंगे सब चीज़ों को। और इसी में मिट्टी मिलाऊंगी, इसको धीरे से निकालिएगा, इसका निकालने का बहुत आसान तरीका है, इसको हल्का सा नीचे डालिए, पीछे से थोड़ा सा इसका थप थप कीजिए, और धीरे से देखिए निकल आया, ये देखिए अब इसमें बहुत सारी रूट्स हो गई हैं, तो थोड़ा इसमें मिट्टी की ज़रूरत है, देखिए सारी रूट्स से मिट्टी कम रह गई है, ये रूट्स ही रूट्स हैं, इसमें मिट्टी है ही नहीं, इसलिए इसका रिपोर्ट करना ज़रूरी था। इसका पत्थर इसमें लगा देंगे, इसमें कुछ नहीं बचा है, खाली पूरा प्लांट एकदम मिट्टी खत्म हो गया है सारी रूप से। बट कितना हेल्दी है, क्योंकि मैं इसमें न्यूट्रिशन देती रहती हूँ, मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक तरीके से यूज करती हूँ अपने पौधों को, प्लांट में जो भी देती हूँ खाद, और हेल्दी भी रहते हैं। ये देखिए पूरा जड़ें इसकी, ये कितना मोटा मोटा हो गया, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये पूरी इसकी रूट्स हैं, और जबकि बहुत छोटे पॉट में लगा रखा था मैंने, देखिए कुछ नहीं है। तो हल्का सा इसको ट्रिम करूंगी इसकी रूट्स को, और ऐसे ही इसको लगा दूंगी फिर से, थोड़ा थोड़ा इसको ट्रिम कर दें जिससे कि इसको पौधे को ताकत मिलती रहे। और इसी मिट्टी को मैं मिला के इसमें, क्योंकि मेरी ये मिट्टी काफ़ी हेल्दी है, तो मुझे अलग से मिलाने की जरूरत है, खाद मिला दी है मैंने काफ़ी, इसी में दोनों को चेंज करूंगी मैं। गर्मी में नहीं करना चाहिए, गर्मी चेंज करने से प्लांट सूखने का डर रहता है, आप या तो फरवरी तक कर लीजिए, या फिर डोरमेंसी में जाने से पहले कर लीजिए, ठीक रहता है। निकालने से पहले पानी डाल दिया करिए तो आसानी से निकल आते हैं, क्योंकि देखिए नमी है मिट्टी में अभी,
निकल आए तुरंत। कोई जा, ये देखिए। और जब तक रूट्स बाहर ज्यादा ना आए तब तक आप रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा गमला भर गया था इसलिए पड़, देखिए इसमें स्टोन लगा दीजिएगा होल में, इसको जरूर रखिए जिससे पानी रुके ना। ये देखिए इसका भी रूट्स कितना बड़ा बड़ा हो गया, ये देखिए इतना बड़ा बड़ा हो गया। थोड़ा थोड़ा इसको भी काटूंगी। यही मिट्टी मेरी यूज हो जाएगी, काफी हेल्दी है। इसमें मिट्टी में मेरा 60% गार्डन सॉइल थी, 20% सैंड मिलाया हुआ है मैंने, और 10% कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग जो भी आपके पास हो, 10-20% अंदाज से मिला लीजिए। मतलब थोड़ा नमी बनी रहे बट पानी रुके ना, क्योंकि इसमें पानी रुकता है तो इसकी रूट्स खराब होने लगती हैं, तो पानी रुकना नहीं चाहिए बट थोड़ा सा नमी भी चाहिए होती है इसको। तो मेरी मिट्टी काफ़ी हेल्दी है, देखिए मतलब गीली है बट चिपचिपी नहीं है, भुरभुरी है देखिए एकदम। तो इसी मिट्टी को मैं यूज करूंगी। सभी को ठीक से मिला लेंगे जो मैंने इसमें कंपोस्ट डाला था। और इसमें मैंने वो लगाया है होल में इसकी कंकड़, ये देखिए जिससे कि पानी रुके ना। और इसमें हाफ भरूंगी, इसकी मैंने एक्स्ट्रा रूट्स सारी देखी निकाल दी हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और ये देखिए गोल 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 घूमना शुरू हो जाता है। तो जब तक आपका गमला चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े तो नहीं करना चाहिए। अब मेरा 2-3 साल से इसी में लगा हुआ है, तो अब ज़रूरत पड़ी है तब किया मैंने, अदरवाइज रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक से दबा दें जिससे इसमें एयर ना रहे, इसको हल्का सा ऐसे दबा दें, क्योंकि प्लांट बड़ा है, अगर दबाएंगे नहीं तो गिरने का भी डर रहता है। बस गमला कभी पूरा मत भरा करिए, थोड़ा 2 इंच करीब खाली रखिए। उससे ना आपका एक तो गमला जब आप खाली रखेंगे पानी डालने में आसानी रहती है, और पानी कभी ओवरफ्लो नहीं होगा, और आपका प्लांट के लिए एयर जो मिलती है वो मिलती रहती है। अगर भर देंगे तो आपका प्लांट मर जाएगा। इसको ऐसे टाइटली दबा दीजिए, ये देखिए हो गया। ऐसे ही मैं इसको करूंगी, दूसरा वाला भी। पहले इसमें कंकड़ी लगाएंगे। ये छोटा प्लांट, तो ये मेरा पॉट है, अदरवाइज मैं 1 इंची पूरा कंकड़ डाल देती हूँ, बट इसमें मेरा छोटा ऑलरेडी छोटा है। इसमें तो देखिए बहुत सारा रूट्स आ गया, ये तो मैंने 2-3 साल से नहीं इसको चेंज किया, लेकिन चल रहा मेरा अच्छा खासा। इसमें भी पहले मैं हाफ गमला भर देंगे उसी से, अपनी सॉइल मिक्स जो बनाई है। उसके बाद इसको लगा देंगे। एक बहुत अच्छा एयर प्यूरिफायर प्लांट है ये, आप इंडोर आउटडोर दोनों तरीके से रख सकते हैं आप। बस इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाना चाहिए, अदरवाइज इसकी पत्तियां जो लीफ है ना वो बर्न होने लगती हैं। तो जहां आपके पास सेमी शेड हो एरिया उसमें रखा करिए। और अब सर्दी में थोड़ा डोरमेंसी में जाते हैं इसलिए थोड़ा इसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो उससे पहले थोड़ा इसमें जरूरी है सब करना। ये देखिए बस तैयार हो गया। इसकी मिट्टी चेंज करने के बाद हल्का हल्का पानी दे दें इसमें चारों तरफ से, थोड़ा थोड़ा सा, इतना दें कि नीचे निकले ना, बस थोड़ा नमी रहे। निकल जाएगा तो उसकी खाद निकल जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा मत निकालिएगा, हल्का दीजिएगा। अभी फर्स्ट डे है ना, थोड़ा थोड़ा पानी दें बस। और इसमें भी थोड़ा जो हमने अभी लगाया, तो इसका जो काटा ये प्लांट बन गया मेरा एक तैयार।
और जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो इससे कटा था। देखिए इसमें बहुत सी ब्रांचेस आ रही हैं। अब ये एक प्लांट पूरा ट्री की तरह भर जाएगा, बुशी हो जाएगा, और उसका जो बनाया था देखिए ये हो गया पौधा तैयार। इससे जो पहले आपको दिखाया था वीडियो में उससे ये प्लांट तैयार हुआ था, एक ट्री का तैयार है। आप ऐसे बनाइए, रबड़ प्लांट काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, आप एक से कई बनाइए, कटिंग से भी लगा सकते हैं, बट इससे तो 100% सफलता मिलेगी आपको, कोई डाउट ही नहीं है। और लगाइए फिर मुझे बताइएगा क्या रिजल्ट आया। एक मेरे पास ये वैरायटी है, एक ये हो गया, मेरे पास चार थे, चार से छः हो गए, दो कर चुकी हूँ और आपके साथ शेयर किया था मैंने भी। और ये मैंने आप जब कटिंग किया था इसमें लीव्स भी निकला था, इससे भी इससे भी, तो वो भी मैंने लगा दिया था। देखिए वो भी लग गया मेरा और बहुत अच्छा देखने में लग रहा। देखिए देखती हूँ रूट्स कैसे आया है, ये देखिए इसमें भी रूट्स आ गया, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये नया प्लांट मेरे एक लीव से भी बहुत अच्छा प्रोपोगेशन हो गया है। देखिए और भी दिखाती हूँ, उफ्स इसमें भी आना शुरू हो गया है। देखिए ये रूट्स आया है, 1 महीना हुआ है। और ये ग्रीन वाले का है जिसमें अभी मैंने किया, और इसमें भी थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया है रूट्स। देखिए तो ये लीफ से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, प्रोपोगेशन इसकी हो जाती है, कटिंग से तो होती है, इसमें एयर लेयरिंग से तो खैर 100% होती है, बट लीफ मैंने फर्स्ट टाइम लगाया था कि होता है कि नहीं देखूंगी। इसमें तो काफ़ी बड़ा हो गया, देखिए ये आप देख सकते हैं, ये देखिए इसमें काफ़ी आ गया है, ये रूट्स है और ये भी रूट्स है, ये देखिए तो इससे भी एक प्लांट तैयार हो गया। तो अभी मेरी ये लीफ निकला है, इसको भी लगा दूंगी तो इससे एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो आप इसको किसी भी तरीके से उगा सकते हैं, इसको कुछ नहीं, बस आप इसको होल करिए, आपका सॉइल मिक्स वही रहेगा जो आपको मैंने बताया है, और थोड़ा नमी बना के रखें, बस इसको ऐसे लगा दीजिए होल करके। इसको अभी मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे रूट्स हैं, फिर ख़राब होने का चांस है ना, तो अभी इसको और ऐसे 1 महीना रखूंगी इसी में। ये देखिए बहुत छोटा छोटा है अभी, ये खाली आपको दिखाने के लिए मैंने निकाला था। ये सारी लगा दूंगी तो 4-5 प्लांट तो मेरे ऐसे ही हो जाएंगे। मैंने रूट इससे लीफ से कभी पहले उगाया नहीं था, फर्स्ट टाइम उगाया है। ये देखिए लीफ से भी मेरा प्लांट तैयार हो गया। ये एक ये वाला था, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये कलर आता है देखिए मस्टर्ड कलर एंड डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन इस तरह से होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं कलर्स देखने में, इसकी लीव्स बहुत प्यारी होती हैं, ये देखिए। और ये मेरा इसके मेरे दो बन गए हैं, ये आपसे आपके सामने ही शेयर किया था रूट एयर लेयरिंग के साथ, ये मैंने अभी किया, रिजल्ट 1 महीने में आ गया मेरा। एक मेरा ये वाला है, इसकी लीव्स बहुत सुंदर होती हैं, देखिए डबल 3 शेड में होती हैं मस्त। ये देखो हल्का येलो है, थोड़ा सा क्रीम जैसा कुछ है, फिर लाइट ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन एंड पीछे पिंक, बहुत प्यारे कलर लगते हैं। तो लगाइए अपने गार्डन में, और बहुत कम केयर चाहिए हो, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए प्लांट्स को, और आपके गार्डन को हरा भरा करके रखेंगे, और बहुत अच्छा एक एयर प्यूरिफायर प्लांट है, तो ज़रूर लगाइएगा। और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट्स करके। आई होप आपको कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी और वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर किया करिए, और नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। आप लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ कुछ अच्छा बना रही हूँ, ज़रा से भी कुछ जानकारी आपको मिली हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।